Oh,
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। ठीक है ठीक है। कल कौन सा श्लोक जाता है? हरे कृष्ण। बच्चों बोलो कौन सा श्लोक? आगे आ जा। अरे वो बच्चा कहाँ गया? बोल रहा था बोलने के लिए। अभी आ रहा है। हाँ आज ठंडा ज़्यादा है ना? बहुत गर्म है। बहुत गर्म है। रक्षक पहले बच्चा तुम बोलो। अच्छा अच्छे तरह से याद हो जाना। ठीक है। और तुम बच्चों परे जल्दी या धन्य बाबा रखा। ठीक है बोलो। तुम और कोई याद क्या? और कोई याद? हाँ ठीक। हरे कृष्ण। श्यामानंद प्रभु कहाँ गए? हाँ देखो कहते शब्द ब्रह्मणी निष्णात न निष्णायत परे यदि। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति सारे शास्त्र को पढ़ लिया है और सारे ग्रंथों को भी पढ़ लिया सारे शास्त्र को याद कर लिया। कथा कथा कर सर। अरे यहाँ कुछ आज श्लोक तो बना ये। इसलिए अगर कोई सारे शास्त्र को ग्रंथों को कोई पढ़ लिया सारे वेद को भी याद कर लिया सारे ग्रंथों को याद कर लिया इसलिए शब्द ब्रह्मणी निष्णात मतलब शब्द ब्रह्म में संपूर्ण रूप में वो निष्णात मतलब संपूर्ण उसमें स्नान कर लिया मतलब सारे शास्त्र ग्रंथों को उसने पढ़ लिया। कहते ना निष्णायत परे यदि समस्त शास्त्र को तो पढ़ लिया है लेकिन ना निष्णायत परे यदि अगर जो शास्त्र कहता है जो काम को मतलब अगर जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करता है जीवन में भगवान की भजन नहीं करता लेकिन सारे शास्त्र को उसने याद कर लिया कहते उसको याद करना जो कर लिया उसका फल क्या? बोले यह धनुमय रक्षक। जैसे एक गैया हमें पालन कर रहे हैं उसको घास भूसा सब तो दे रहे हैं लेकिन वो दूध ही नहीं दे रहा। वो गैया जैसे दूध नहीं दे रहा है और वो गैया बछड़े जन्म नहीं दिया बछड़ा ही जन्म नहीं दिया। कह जैसे बछड़ा हीन जैसे गैया है कहते ठीक उसी तरह अगर सारे शास्त्रों को पढ़ भी लिया लेकिन जो शास्त्र कहता है भजन करना
अगर हम भजन नहीं करते हैं कहते तुम्हारी जितने शास्त्र ग्रंथ पढ़ना सब बेकार है, सारे तुम्हारी बेकार है। हाँ बोले एक समय, बोले एक समय की बात है, एक समय एक संस्कृत कोई यूनिवर्सिटी था, और यूनिवर्सिटी में वहाँ पर प्रचार करने के लिए गए हमारे प्रभुपाद का सब शिष्य लोग, वहाँ प्रचार करने के लिए गए, लेकिन वो संस्कृत यूनिवर्सिटी वो सारे संस्कृत पढ़े हुए, कभी गीता भागवत तो पहले से पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पर जब संन्यास लोग गए और जब उन्होंने उनको कुछ कथा सुनाने के लिए कोशिश किया, कोई भी श्लोक बोले ना तो हम सब याद, कोई भी गीता का भागवत का रामायण का कोई भी श्लोक बोले, वो बोलने से बोले हमको ये श्लोक याद है और कोई नया श्लोक बोले, कोई भी श्लोक बोले सब याद, बोले नया श्लोक बोले, बोले बाबा ये तो सारे श्लोक जानते हैं इनको हम क्या बताएंगे। तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी उस समय जो प्रभुपाद के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के लिए जो रसोई बनाया करते थे, साधारण इतने लिखे पड़े हैं वो रसोई बना देते, तब उन्होंने बोले बोले मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जो प्रभुपाद के जो शिष्य लोग बड़े बड़े विद्वान लोग थे हैं, बोले ये क्या बनेगा, ये क्या बोलेगा, ये तो रसोई बनाता है इसको क्या पता है, हैं बोले ये क्या बोलेगा, बोले एक थोड़ी सी मेरे को चांस है तो बोलने के लिए, तो बोले ठीक है बोलो। तो उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, देखो उन्होंने उदाहरण क्या दिया, बोले एक समय दो व्यक्ति बीमारी में थे, एक व्यक्ति हैं अच्छे अच्छे लिखे पढ़ा हैं अच्छा लिखा पढ़ा विद्वान, लेकिन एक जो व्यक्ति था जो बीमारी एकदम अनपढ़ व्यक्ति, अभी ये दोनों डॉक्टर के पास में गए, बोले हमको बीमारी है हमें कोई दवा दो, इतने में डॉक्टर ने क्या किया पर्ची बना दिया, बोले देखो प्रिस्क्रिप्शन बना दिया, देखो ये दवा खाने से तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने बना दिया पर्ची, लेकिन जो मूर्ख था इतना लिखा पढ़ा था ही नहीं, वो डॉक्टर के पास में गया पर्ची दिखाया दवाई दिया वो दवा खाया तो सही हो गया, लेकिन जो बहुत लिखा पढ़ा था ना उसको तो बना दिया पर्ची, लेकिन वो डॉक्टर को बहुत उसने दुकान से मेडिसिन शॉप से मेडिसिन ही नहीं लाए और वो मेडिसिन ही नहीं खाए, जब नहीं खाए अब बताओ बीमारी किसको सही होगा, जो लिखा पढ़ा व्यक्ति को बीमारी सही होगी ना, जो अनपढ़ व्यक्ति था और जिसने केवल उन्होंने पर्ची दिखा कर दवा ला कर खाया उसको बीमारी सही होगा, बताओ किसका बीमारी सही होगा, बोलो जिसने दवाई खाया भले अनपढ़ हो। तो उन्होंने कहा देखो तुम लोग तो शास्त्र ग्रंथ तो सब जानते हो, ए क्या बात है, इसलिए तुम लोग तो सब शास्त्र, कहाँ से नहीं जाए जा तो सुनाई पड़ता है, क्यों नहीं जाने, इसलिए उन्होंने हाँ कहते उसी तरह हमने, इसलिए कहते हमने समस्त शास्त्र को तो पढ़ लिया, लेकिन वो शास्त्र जो बोलता है ना और उसको कर ही नहीं रहे, शास्त्र क्या बोलता है, भजन कर हरिनाम कर समय को बर्बाद मत करो, ये जीवन दुर्लभ जीवन मिला, ठाकुर जी बार बार ये जीवन नहीं देते हैं, ये जीवन पाकर भक्ति बढ़नी चाहिए, लेकिन ये सारे शास्त्र को हमने पढ़ ही लिया, लेकिन पढ़ करके लेकिन जो शास्त्र बोलता है वो उसको जीवन में उतार देने, फिर तो क्या होगा, सबके सब जैसे बंधा गैया जैसे जो बछड़ा जन्म नहीं देता जैसे दूध नहीं देता है, खुद ऐसे ही गैया पालन करना उसको जैसे उसको दूध नहीं देता है बछड़ा नहीं देता वैसे बेकार है, कहते उसको सारे शास्त्र पढ़ना भी बेकार है, हैं लेकिन कोई व्यक्ति इतना शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ा जानता नहीं इतना शास्त्र, लेकिन शास्त्र जो बोलता है ना वो उसको करता है, उसको वो करता है, इसलिए वो केशव प्रभु थे प्रभुपाद का आश्रित, तो वो केशव प्रभु थे, बोले आप तो सब गीता भागवत रामायण तो पढ़े हो, उन्होंने जो बड़े बड़े विद्वान थे जो सबके सब प्रोफेसर प्रिंसिपल थे, बोले सबके सब तो जानते हो लेकिन क्या करते हो, हरिनाम करते हो, वेजिटेरियन बने हो, प्याज लहसुन छोड़े हो, हरिनाम कर रहे हो, बोले नहीं कर रहे हो, बोले इसलिए हम लोग आए हैं आपको ये भजन कराने के लिए हम लोग आए हैं, इसलिए इस श्लोक में यही बात को बता रहे हैं, अगर सारे शास्त्र को पढ़े
लेकिन जो शास्त्र का जो तात्पर्य है, एक समय प्रभुपाद के पास में कोई एक बहुत बड़े मंत्री उसी समय में था, उसको पता था यहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्वान पूरा भागवत आचार्य बहुत बड़े हैं, वो पता था ये बड़े विद्वान हैं। तब तो उन्होंने आए बोले प्रभुपाद थोड़ा आप आदेश दो इनको पास में, हम भागवत कथा सुने। प्रभुपाद बोले ये भागवत का भाव ही नहीं जानता है। बोले मेरी इच्छा तो भागवत सुनने का। बोले जाओ, एक वैष्णव दास है, दिन भर खेती में काम करता है, सब्जी उगाता है, हैं ठाकुर जी के लिए बैगन और वहाँ पर मिर्च वहाँ कर साग सब्जी दिन भर बनाता है, हाथों में ठाकुर की सेवा करता है, लेकिन मुँह में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिन भर हरि नाम करता है, उसको पास में जाओ। सचमुच से जब उनको पास में गए ना, इतने सुंदर उन्होंने कथा सुनाई, इतने सुंदर ठाकुर को कथा सुनाई, जिसको सुन करके इनका हृदय गदगद हो गया। इसलिए ये श्लोक में यही चीज़ को बता रहे हैं। समस्त शास्त्र को पढ़ते हुए अगर हम भगवान की भजन नहीं करते हैं, ये शास्त्र पढ़ना पढ़ना सब कुछ ये बेकार हो जाएगा। गौर ब्रह्मानंद बोलो, हाँ तुम बोलोगे ठीक ठीक। मास्टर जी का बात समझ लो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि शिगौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत शिलाशीतल गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण साष्टांग प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्भक्ति सिरूप शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। रूपानुग गुरुपाद पद्म विशिष्ट सड़ गोस्वामी प्रभु पंचतत्व सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर श्री जगद्गुरु प्रभुपाद अनंत अनंत कोटि वैष्णववृंद उपस्थित सतीर्थ गुरु भ्राता वृंद वैष्णववृंद भक्तवृंद के चरण में अधम यथायुग्य दंड प्रणाम स्वीकार हो। कुछ दिन से हम श्री राय रामानंद संवाद श्रवण कर रहे थे, उसमें दो दिन पहले मैंने बताया था, फिर से थोड़ा बोल देता हूँ स्पष्ट रूप। भगवान के ज्ञान को चार भाग में विभक्त कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान रहस्य और तद अंग। तो ज्ञान मतलब साधारण रूप में जीव को जो बताया दिया जाता है, विज्ञान अर्थात जो अनुभूति हो जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो ज्ञान मेरा स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप शक्ति है वो भगवान का ज्ञान है। भगवान इस प्रकार का है, भगवान ऐसे दिखने में है, भगवान बंसी धारण करते हैं। वास्तव में जब उनको दर्शन करने के बाद जब प्रेमांजन छ्रित विलोचन है, मतलब जब प्रेम का अंजन देख, मतलब आँख में जिस प्रकार का ठाकुर को दर्शन के बाद किस प्रकार का जो भाव अनुभूति होता है, कैसे लगते हैं वास्तव में। अभी तो हम बस लोग याद किए हैं कि बराहा पीड़म नटवर बपू,
इस प्रकार का किस प्रकार सुंदर कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं और किस प्रकार कृष्ण वैजयंती माला आदि धारण करते हैं, सुंदर सुंदर गोचरण करते हैं। लेकिन वास्तव में जब वो भाव को वास्तव में दर्शन हो जाता है, वो नित्य जो भाव हमने पढ़ रखा है या याद कर रखा है, उसी ज्ञान को जब वास्तव में अनुभूति हो जाता है, उसको बोलते हैं विज्ञान। तो भगवान बोल रहे हैं कि स्वरूप मेरा ज्ञान है, और विज्ञान का भक्ति का संबंध जो है वो विज्ञान है। जीव भगवान का रहस्य है, किस प्रकार का मैंने उस समय बताया था। और प्राधान मेरा तदंग है, भगवान का अंग है। तो इसी प्रकार में इसमें आगे बता रहे हैं कि जो अचिंत्य भेदाभेद जो शक्ति है, जो कृष्ण के जो जिस प्रकार का शक्ति, जो असमर्थ शक्ति, जिस शक्ति में कृष्ण से और आगे भी कोई नहीं, और कृष्ण के बराबर तो छोड़ ही दो, कृष्ण के बराबर तो छोड़ दो, कृष्ण से आगे भी कोई नहीं, जो असमर्थ तत्व है। तो इसमें बता रहे हैं कि उसी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कृष्ण है वो प्रेम के विषय हैं, और जो गुरुवर्ग और राधा रानी वो प्रेम के आश्रय तत्व हैं। पहले कथा में मैंने बोला था कि किस प्रकार राधा रानी से ही सहित प्रख्य विपक्ष तटस्थ इत्यादि प्रकाशित होते हैं गोपियाँ, उनका क्या क्या भाव होता है, उनका क्या क्या गुण होता है। फिर इसमें बता रहे हैं कि जो रामानंद राय जी बता रहे हैं कि जो आश्रय तत्व होने पर भी अपने भक्तों का भाव में क्या प्रभाव पड़ता है, भक्तों के हृदय में किस प्रकार का भाव होता है, भक्त के हृदय में कृष्ण को दर्शन करने के बाद किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये कृष्ण नहीं जान पाते। बता रहे कि अपने भक्तों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको वो सर्वदा अपरिचित थे। कृष्ण अपने भक्तों के भक्तों कृष्ण को किस प्रकार का सेवा करते हैं, और सेवा करते ही कृष्ण को दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद भक्त किस प्रकार का आनंदित होते हैं, वो कृष्ण सदा सर्वदा अपरिचित, मतलब उसको नहीं जान पाए कृष्ण ने। भक्त के हृदय में किस प्रकार का भाव उत्साहित होता है, भक्त क्या कर सकते हैं, वो कृष्ण नहीं जानते। तो बता रहे हैं कि सारे भक्त जो तत्व है वो आश्रय जातीय है, और उन्हीं आश्रय का जो विषय है वो कृष्ण है। तो इसमें बता रहे हैं कि भक्त दास्य साख्य बात्सल्य और मधुर संबंध भाव से उनकी सेवा करते हैं, अतः वो समस्त आश्रय जातीय वो भक्तों का विषय है। इसमें बता रहे हैं कि विशेष करके जो चार प्रकार का रस है, पांच तो रस है, उसमें शांत को हटा करके जो चार रस है, दास्य साख्य बात्सल्य मधुर, जो जिस रस में सेवा करते हैं कृष्ण को, उसी रस में उसको स्वरूप सिद्धि होता है, अविष्ट प्राप्ति होता है। कभी उसके जीवन में स्वरूप सिद्धि की अवस्था में वो अपने स्वरूप को जान पाता है। साख्य भाव में, सखा के भाव में अगर सेवा करता है तो उसको कभी स्वरूप सिद्धि होगा, जो सखा बनता है तो उस सखा का जब दास बनता है तो वो किस भाव में कृष्ण का सेवा करने के लिए आनंद उत्साहित रहता है, प्रस्तुत रहता है, और किस उसके हृदय में किस प्रकार का उत्साहित रहता है। हमारे जो गुरुजी गुरुदेव परम गुरुदेव बोलते हैं ना कि हमारे मूल उद्देश्य राधा दास्यम है, तो जो राधा दास्यम भजन करते 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 एक दिन ऐसा स्थिति होगा कि जीव को उसी राधा दास्यम प्राप्त होगा ही होगा। तो जब उसको उसी स्वरूप सिद्धि में प्रकाशित होगा, जब उसका अभीष्ट पूर्ण होगा, वो अभीष्ट प्राप्ति में वो जब वो मंजरी भाव को प्रकाशित होगा, तो मंजरी भाव को प्रकाशित करके सीधा का सीधा डायरेक्ट निकुंज में जाके सेवा नहीं कर सकता। वो एक मंजरियों का मंजरियों का मंजरी का कितने मंजरियों का दास रहेगा। तो उसी दास में जो उसको आदेश मिल जाएगा कभी कि इस निकुंज में तुम थोड़ा झाड़ू लगा दो, कोई मंजरी बोल देंगे कि इस निकुंज में तुम थोड़ा ढूंढ ये कर लो, इसमें तुम थोड़ा कृष्ण के लिए चंदन घिस लो, तो वो जो भाव है, वो जो उत्साह है, किस प्रकार का उसके उत्साह। आज सुबह गुरुदेव बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि कृष्णा क्या रामचंद्र कविराज गोस्वामी के बारे में गुरुदेव बोल रहे थे, जब ये नित्य जगत में जाते हैं तो श्रीनिवास आचार्य गोस्वामी इनके गुरुदेव ढूंढ रहे हैं, तो इन्होंने जो राधा रानी का बेसर मिला, सुबह गुरुदेव बता रहे थे, इन्होंने डायरेक्ट कृष्ण को लेके नहीं दिया, यद्यपि कृष्ण वहीं पे ही है, राधा रानी भी वहीं पे ही है, लेकिन कृष्ण को डायरेक्ट लेके नहीं दिया। इन्होंने पहले क्या किया कि पहले अपने गुरु श्रीनिवास आचार्य ठाकुर को दिया, उन्होंने फिर रूप मंजरी को दिया, ऐसे मंजरी होते होते हुए फिर ललिता सखी के पास पहुँचा, ललिता सखी राधा रानी को दिया। तो ये जो क्रमवाइज हुआ, किस प्रकार का जो रामचंद्र कविराज गोस्वामी का किस प्रकार का जो उत्साह, जो बेसर को मिलते ही किस प्रकार का उनके हृदय में जो उत्साहित हुआ, वो कृष्ण क्या समझेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं वो कृष्ण नहीं समझ सकते,
जो मंजरीगण जिस उत्साह में सेवा करते हैं, जो साख्य दास्य वात्सल्य मधुर भाव में, जो जिस रस में विशेष रूप में सेवा करते हैं, वो भक्तों का हृदय का जो भाव है, भक्तों का हृदय का जो प्रेम का जो आस्वादन करते हैं भक्त, वो कृष्ण सदा सर्वदा अपरिचित थे। तो इसमें बता रहे हैं कि जो राधा रानी के जो राग अनुराग विशेष करके जो मादनाक्ष भाव, राधा रानी का जो विरह, राधा रानी का जो मिलन में भी विरह और विरह में भी मिलन जो दशा है, उसको देख के तो कृष्ण विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि क्या प्रकार का चीज़ है ये, किस प्रकार का चीज़ है। इसीलिए ही श्रीमन महाप्रभु के अवतार में श्री राधा या प्रणय महिमा किदृश वान ये वाषादोत इनाद्भुत मधुरुमा किदृश व मदीय स्वाख्यम चास्य मद अनुभव किदृश वेति लोभात तट भावाद्य सचि गर्व सिंधु हरिंदु समझनी सचि गर्व सिंधु हरिंदु। किस प्रकार का कृष्ण में तीन लोभ उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये जिस चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं ना रामानंद राय जी ने एक 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 करके, तो उसमें महाप्रभु को जो हृदय में जो दशा है और रामानंद राय प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि महाप्रभु का पहले का पहला क्या था, जो जितना भी ज्ञान था उसे केवल महाप्रभु सुनकर ही ज्ञान, अर्थात यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं किसी चीज़ को सुनकर जानना, फिर बाद में उसको जब रामानंद राय जी के मुख से जब श्रवण करते हैं महाप्रभु को विज्ञान का अनुभूति होता है। तो उसी विज्ञान में फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो बिना कृपा शक्ति के ये विज्ञान संभव नहीं है। कृपा शक्ति क्या है, कृष्ण कृपा करें, कृष्ण यदि कृपा करे भक्तगण, कृष्ण अगर भक्तगण के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं तो प्रथम ये करें ना गुरु वर्गेर संचार, पहले क्या करते हैं अपने गुरु वर्ग अपने ही स्वयं गुरु वर्ग के रूप में संचारित कर देते हैं। तो गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्तगण, और हमने अभी गौड़ीय कंठहार पे एक श्लोक भी याद किया था, देखो श्लोक कहाँ पे किस जगह पे यूज हो रहा है, गौड़ीय कंठहार के जो श्लोक हमने याद किया था, आचार्य मांग बीजा नियात न अभमन्य कहे ची नम्रता बुद्धि आसवे सर्वदेव मयं गुरु। तो कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं उद्धव जी को कि मांग बीजा नियात आचार्य, मैं ही स्वयं आप मेरे ये नहीं बता रहे कि मेरे आचार्य जैसा स्वरूप है, आचार्य मुझसे इतना अधिक है, ये है वो है, ये नहीं बताएं, सीधा सीधा बता रहे हैं कि मांग बीजा नियात आचार्य, मैं ही आचार्य के स्वरूप में आता हूँ जीव को कल्याण करने के लिए, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें ना भक्तगण। तो बिना कृपा शक्ति से ये संभव नहीं होता। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये श्रीमन महाप्रभु की ही कृपा के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार के दयालु हैं, श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार के कृपालु हैं, तो इन्होंने पहले क्या किया, अपने अंदर के जितने भी भाव थे पहले रामानंद राय जी के हृदय में संचारित कर दिया, और उनके हृदय में जैसे ही संचारित किया और उनसे जब सुने इनके हृदय में वो जो भाव है, जिस प्रकार का भाव का वो आस्वादन करना चाहते हैं, वास्तव में उसी भाव को वो जान पाए, जो आश्रित जाति और जो भक्तगण जो कृष्ण को सेवा करके जो आनंद का प्राप्त होता है उसको पहले सुने, सुन करके उसको आस्वादन किया श्रीमन महाप्रभु भक्त के रूप में, तभी महाप्रभु जान पाए, तभी कृष्ण जान पाए। तो इसमें बता रहे हैं कि बृहद भागवतामृतम में, बृहद भागवतामृतम में भी बता रहे हैं कि जो नंद गोप कुमार है, तो नंद गोप कुमार को भी ठाकुर जी ने अपने कर कमल हाथ ऐसे उनके मस्तक पर रख के उनको उसी भाव का आस्वादन करवाया था, किस प्रकार साख्य रस हैं वो, नहीं तो स्कंदे चढ़े इस प्रकार का भाव नहीं होता, कृष्ण को ऊपर उठा देते हैं और कृष्ण को पटक भी देते हैं, हमारा ऐसा स्थिति नहीं हुआ है। तो जो बोलते हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि विशेष करके जो जीव है, जो जीव इस प्रकार का जो भगवत संबंधित का जो आनंद को पूर्ण रूप में आस्वादन कभी भी नहीं कर सकता, साधारण जीव में ये कभी भी हो ही नहीं सकता। जो मुक्त आत्मा है, जो नित्य आत्मा है, जो नित्य महापुरुष है, वही इस रस को आस्वादन करते हैं, और अन्यथा कृष्ण जिसके ऊपर कर कमल रख के, गुरु जिनके ऊपर कर कमल रख के क्या करते हैं, उनको शक्ति संचारित कर देते हैं। देखो इसमें हमारे गौड़ीय कंठहार के गुरु तत्व के दूसरा श्लोक प्रकाशंते महात्मना, गुरुदेव जिसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं, वैष्णव लम जिसके हृदय में प्रकाशित करते हैं उसको प्राप्त होता है। और एक श्लोक नायमात्मा प्रवचन न लभ्य, बहुत सारा प्रवचन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, टीकाओं के द्वारा इस चीज़ को नहीं जान सकते, यमे वैश्य वृणुते ते न लभ्या, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं शास्त्र में, यमे वैश्य वृणुते ते न लभ्या, कृष्ण जिसको ग्रहण कर लेते हैं, कृष्ण जिसको पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसके ऊपर कर कमल रख देते हैं, ते न लभ्या उसको मिलता है, तस्य आत्मा विवृणते तनुम, उसके हृदय में ही कृष्ण अपने विग्रह को, अपने उस आनंद को, अपने उस प्रेम को प्रकाशित कर देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने ही विशेष करके
श्री रामानंद राय जी के हृदय में उसी प्रेम को प्रकाशित किया। फिर आगे बता रहे हैं श्री भगवत संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद ने षड् संदर्भ रचना किया। 6 प्रकार का संदर्भ है, उसमें से जो भगवत संबंध है संदर्भ, उसमें से जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि अचिंत्य भेदाभेदी भेदाभेद जो शक्ति है कृष्ण के बारे में, उसमें थोड़ा सा इंगित करके बता रहे हैं कि एकमेव तत् परम तत्व। कृष्ण क्या है? परम तत्व है कृष्ण। अभी बोला था अश्वमेध शक्ति है कृष्ण में, कृष्ण के जैसा ना जगत में कोई कर सकता है और कृष्ण के जैसा बलवान क्या है जगत में कोई नहीं है। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण सर्व अवतार के जो अवतारी और भगवान है। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान होने पर भी यहाँ पे बता रहे हैं जो कृष्ण अपने रूप को 4 रूप में विशेष रूप में प्रकाशित करते हैं, 4 रूप में विशेष करके प्रकाशित करते हैं। क्या है वो यहाँ पे बता रहे हैं श्री जीव गोस्वामी, सदैव स्वरूपम तद वैभव जीव प्रधान। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी पाद कृष्ण 4 रूप में अपने स्वरूप को प्रकाशित किए। एक है अपने स्वरूप का प्रकाशित स्वरूप, स्वरूप सिद्ध मतलब अपने स्वरूप का शक्ति, अपने स्वरूप को खुद को प्रकाशित किया, खुद स्वयं स्वयं तत्व और स्वयं तत्व। और दूसरे में बता रहे हैं कि तद वैभव, उनके वैभव जो 4 उनके वैभव चतुर्विहो अनिरुद्ध प्रद्युम्न और संकर्षण इत्यादि। और दूसरे में बता रहे हैं कि कृष्ण स्वरूप तद्रूप वैभव जीव और प्रधान। क्या क्या? न स्वरूप शक्ति कृष्ण के जो स्वयं शक्ति है, कि स्वयं किस प्रकार का कृष्ण शक्तिमान है, और उनमें थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से श्रवण करोगे तो समझ जाओगे। स्वयं कृष्ण और कृष्ण के जो वैभव, कृष्ण अकेले क्या करेंगे, उनके घरवार नहीं रहेगा, तो इसलिए धाम उनके जो वैकुंठ धाम, गोलोक आदि धाम, मथुरा अयोध्या नित्य धाम, और उनमें भी जो अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण आदि, उनमें भी जो देवतागण आदि, उनमें भी राधा रानी एक अंग से और एक अंग से बलदेव प्रभु, तो ये पूरा का पूरा उनका वैभव है, पूरा का पूरा। उनमें भी जो पुरुषावतार 6 अवतार में से जो पुरुषावतार कारण दकसाई गर्भो दकसाई और क्षीरो दकसाई, जो 3 विष्णु के बारे में बता रहे हैं, उसमें भी कारण दकसाई विष्णु किस प्रकार का ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में क्षीरो दकसाई विष्णु और कारण दकसाई विष्णु रहते हैं जो पूरा विस्तृत में, तो ये ठाकुर जी का वैभव है। और ठाकुर जी का क्या है ना, जीव जीव। ठाकुर जी से आज सुबह ही गुरुदेव बोल रहे थे, उदाहरण देते हुए गुरुदेव बता रहे थे कि राम जी को उदाहरण देते हुए सुबह बता रहे थे जैव धर्म की क्लास में कि राम जी के हृदय में अगर बाकी राम जी के जितने भी भक्त जितने भी सखागण अगर इनके हृदय में उनसे ही मिल जाते भगवान से, तो उस रस का आस्वादन नहीं कर पाते। कृष्ण के हृदय में ही कृष्ण से ही सुदाम मधुमंगल आदि सखा मिल जाते कृष्ण से ही, तो क्या उस रस का आस्वादन हो पाता? मधुमंगल क्या लड्डू जोर जबरदस्ती छीन कर खा पाते? वो तो उनके हृदय में ही मिल जाते। तो यहाँ पे बता रहे हैं जीव सदा सर्वदा कृष्ण से अलग ही है और प्राधान। इसको उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य मंडल का तेज है वो भगवान है, और जो सूर्य मंडल है, जो सूर्य मंडल है उसको ठाकुर का वैभव बता रहे हैं, और जो सूर्य मंडल से जो जिस प्रकार का निर्गत रश्मि उसको बता रहे हैं जीव, और जो प्रतिबिंब आता है उसको बोल रहे हैं प्राधान। तो इसी जो इस प्रकार का जो जीव का जो बुद्धि सीमित है, जीव का बुद्धि जो है सीमित है, लेकिन ठाकुर जी का जो बुद्धि है वो असीमित, मतलब उसका कोई बात सीमा के बाहर है किस प्रकार किस चीज़ को करते हैं। तो इस प्रकार शक्ति सामर्थ्य होने पर भी, ऐसा शक्ति सामर्थ्य होने पर भी इस प्रकार का शक्ति धारण करते हैं, कृष्ण में इस प्रकार का शक्ति है, ऐसे शक्ति सामर्थ्य होने पर भी जब ब्रज में कृष्ण आते हैं, जब वृंदावन में आते हैं, तब बोलते हैं लीनांग निकुंज कुहरे भवती मुकुंदम चित्रेव सुचीतावती रुचिराक्षिनाहम भृग्नाम भ्रुवम न रचयेति मृषा रुषातम मग्रे ब्रजेन्द्र तनये न कदानुनिशि। इसमें बता रहे हैं कि जब रूप गोस्वामी किसी लीला कौतुक वसत, किशोरी जी राधा रानी लीला निकुंज कुहरे भवती मुकुंदम, भवती मुकुंदा मुकुंद को छुपने के लिए, कृष्ण को थोड़ा विरह देने के लिए जानबूझकर अगर राधा रानी क्या करते हैं, एक निकुंज में छुप जाते हैं, रूप गोस्वामी पाद इसको लिख रहे हैं, एक निकुंज में छुप जाते हैं और सामने बोलते हैं रूप गोस्वामी, रूप हे रूप मंजरी तुम बाहर खड़े रहो, अंदर किसी भी निकुंज में, निकुंज यानी समझ में आ रहा है,
निकुंज मतलब क्या, एक गार्डन, झाड़ी वाड़ी से एक गार्डन है। तो उसी निकुंज में राधा रानी छिप जाते हैं किसी वृक्ष के नीचे और रूपमंजरी को बोलते हैं कि तुम बाहर रुको और कोई भी आ जाए तो उसको अंदर मत कर देना। और विशेष करके कृष्ण के लिए ही कह रहे हैं, इंगित किसको कर रहे हैं, ये अपने सखी मंजरी के लिए इंगित राधा रानी नहीं कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि कोई भी आ जाए तो किसी को भी अंदर मत कर देना, किसी को भी अंदर मत लाने देना। तो रूप मंजरी समझ जाते हैं, गेट के बाहर खड़े रहते हैं। जैसे ही कृष्ण घूम घाम करके ढूंढ ढांड करके आ जाते हैं, पता चल जाता है कि राधा रानी इस निकुंज में छुपे हुए हैं। ढूंढ ढूंढ के आते हैं उस निकुंज में और निकुंज में कृष्ण प्रवेश नहीं कर पाते। जिस कृष्ण अचिंत सकता, अचिंत भेदावेद शक्ति जिनका कृष्ण का, जिनका शक्ति को अचिंत बना गया है, कोई चिंता नहीं किया जा सकता जिन कृष्ण का शक्ति को, और जिन कृष्ण का वैभव इस प्रकार का है, जिन कृष्ण का प्राधान्य इस प्रकार का है, जिन कृष्ण का जीव शक्ति इस प्रकार का है, तत्व शक्ति, और जिन कृष्ण का जो स्वरूप शक्ति इस प्रकार का शक्ति है कृष्ण में, वही कृष्ण, इतने सामर्थ्यवान कृष्ण, वो पूर्ण पूर्ण पर भगवान यहाँ पे वो एक निकुंज में प्रवेश नहीं कर पाते, एक निकुंज में प्रवेश नहीं कर पाते। वो ढूंढते फिरते हैं, ढूंढते रहते हैं, सर्वांतरजामी होने पर भी जब ब्रज में वो ध्यान करने लगते हैं कि ध्यान करने से वो राधा रानी कहाँ है, थोड़ा मैंने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर दूँ, तो कर ही नहीं पाते हैं, कभी कर ही नहीं सकते वहाँ पे। वो चिंता करते रहते हैं, वो हो ही नहीं सकता, वो फेल हो जाता है उसी जगह पे। तो ढूंढते 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 हैं, उनको ढूंढना पड़ता है, और ज़ोर ज़बरदस्ती जैसे ढूंढ ढूंढ के उस निकुंज में आ जाते हैं तो रूप मंजरी को बाहर देखते हैं। तो बोलते हैं, हे रूप मंजरी, हे रूप मंजरी, मुझे अंदर पता है आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो। इसका मतलब इंगित है कि आप अंदर कृष्ण है। अब रूप मंजरी राधा रानी का उस विरह दशा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो रूप मंजरी अपने आँखों से ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं कि कृष्ण, राधा रानी क्या है, अंदर हैं। तो कृष्ण उसी अंदर घुसने के लिए रूप मंजरी से प्रणाम कर रहे हैं, और जैसे ही रूप मंजरी और कृष्ण के बीच में आर्गुमेंट चलता है तो राधा रानी जान लेती है कि कृष्ण आ गए हैं। अब उनके भी मिलन के जो विरह है उनका भी सहन नहीं हो पाता, तो दौड़ते हुए बाहर आते हैं निकुंज में। और भृगनाम भ्रुवाम न रचे इति मृषा रुषात्वम, अपने भ्रिकटी को, अपने भ्रिकटी को कृष्ण को जैसे ही देख लेते हैं और अपने ये भ्रिकटी को ऐसे टेढ़ी नज़र पे रूप मंजरी को देखते हैं। भृगनाम भ्रुवाम न रचे इति मृषा रुषात्वम, ऐसे देखते हैं। तब उसी रूप मंजरी बोलते हैं, भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा, चित्रावती तो सुचि रुचिराक्षिना हम, ये चित्रा सखी जो तुम्हारा है ना, ये कृष्ण की तरफ भी है और ये थोड़ा थोड़ा, और ये क्या करते हैं, ये किशोरी की तरफ भी है, तो इसने शायद बोल दिया होगा। तब वहाँ पे प्रणाम प्रणाम रूप मंजरी के चरण पकड़ के उसी निकुंज में प्रवेश करते हैं, एक मामूली सी झाड़ी में, उसमें प्रवेश करने के लिए। किस प्रकार का वो रस का आस्वादन, तो यहाँ पे इस तत्व को जब सुनते हैं श्रीमन महाप्रभु, इस विचार को जब सुनते हैं श्रीमन महाप्रभु, तो उनके हृदय गदगद हो जाते हैं। और इस भाव का, श्रीमन महाप्रभु का जो भाव को देख के रामानंद राय को और उत्साहित होता है। वो अपने अपने हृदय में जिस जिस भाव को, जिस जिस भाव में निकुंज में, वो कौन है, विशाखा सखी। तो ये विशाखा सखी किस किस रूप में कृष्ण का सेवा करते हैं, वो सब एक एक करके बोलते हैं, ऐसे क्या करता था मैं, ऐसे क्या करता था। हम बोलते हैं ना, हमारा कोई अच्छी मेमोरी हो, हम अभी गुरुदेव के साथ गंगा दशहरा पे गंगा जी स्नान किए, जिसका अच्छा मेमोरी हो। हमने तो गुरुदेव के साथ लॉकडाउन पे रुका था, जिसका कुछ कुछ मेमोरी हो, उसको 10 साल के बाद उसको याद आए, उसको ये जीव को 10 साल के बाद याद है कि आज गंगा दशहरा है, आज के दिन मैं ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। हम तो आज एक दो दिन पहले बात किया करते थे कि हम पूरी मठ में जब 30-40 ब्रह्मचारी रहते थे वहाँ पे चुरा चुरा के प्रसाद खा लेते थे। तो उस जो अरस का जो आस्वादन, मतलब उसको जो बोलने के बाद जो आनंद लगता है, उसको बताने के बाद जो फीलिंग्स, जो उसको सोचने के बाद किस प्रकार का, हम 10 साल के पहले गंगा दशहरे के साथ गुरुदेव के साथ थे, इस जगह पे थे, यहाँ पे परिक्रमा करते थे, ऐसा क्या करते थे, वो जो स्थिति है, वो स्थिति को राम वो क्या करता है, धीरे 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 अपने हृदय में ही उत्साहित हो जाता है कि मैं और बोलता जाऊँ, और बोलता जाऊँ, और सोचता जाऊँ, और दिमाग में आता जाए। तो उसी प्रकार रामानंद राय का भी यहाँ पे उसी स्थिति है। एक बात को जब रामानंद राय ने अपने प्रस्तावना रख दिया और महाप्रभु बोल दिया ये हो भाई, ये नहीं ये नहीं, तो रामानंद राय के हृदय के जो भाव है वो बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, एक 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 करके जो सारे रस तत्वों में उठ के वो महाभाव में पहुँचे। तो इस प्रकार रामानंद राय का विशेष करके रामानंद राय ने जिस प्रकार का रस को प्रदान किया और उसी रस को आस्वादन करके श्रीमान महाप्रभु विज्ञानी बने,
उनके पहले तो ज्ञान था, फिर विज्ञानी बने, उस भाव को देख के रामानंद राय जी ने मूर्छित हो जाते हैं। तो ये आज इतना श्रवण करते हैं, इसके बाद कल से इसका ग्रंथ का शुरुआत, ये आज तक बस ग्रंथ का ये इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, वांछा कल्पतरुष कृपासिंधुपति ओम अज्ञानति मिरांदस क्या बोलो 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 ओम अज्ञानति मिरांदस सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, सभी को राधे राधे। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि राधा रानी की महिमा से तो सभी लोग परिचित हैं कि राधा रानी की नाम की महिमा कितनी है, राधा रानी कितनी कृपामयी है, कितना दयामयी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि राधा रानी मैया जी के केवल नाम में कितनी शक्ति है और राधा रानी के नाम से सबका कितना उद्धार हो सकता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि राधा कृष्णा जी में हमेशा कृष्णा जी से पहले राधा जी का नाम क्यों लिया जाता है, ऐसा क्या कारण है जो राधा जी का नाम ही पहले कृष्ण से पहले लिया जाता है। ये सब मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति में सभी देवी हर देवी देवताओं को अपने अपने भावों के लिए पूजा जाता है। राम को अपनी मर्यादा के लिए, तो सीता को उनकी सहनशीलता के लिए, विष्णु को उनके संचालन के लिए, तो लक्ष्मी को उनके वैभव दान के लिए। दुर्गा शक्ति का स्वरूप है तो शिव वैराग्य का स्वरूप है, लेकिन जब बात प्रेम की आती है तो एक ही बात सबके हृदय में आती है, वो है राधे कृष्ण। और अब इसी प्रेम की कथा को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि क्यों, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि राधे कृष्ण को प्रेम समझाने के लिए इस धरती पर आना पड़ा। वो तो भगवान थे ना, वो लोग से भी अपने प्रेम को समझा सकते थे, तो उन्हें धरती पर अवतरित होने की क्या आवश्यकता पड़ी, वो तो वहीं से भी समझा सकते थे प्रेम को। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी। तो ये कथा आरम्भ होती है एक श्री कृष्ण भक्त श्री रमा से, जो अपने प्रभु से मिलने के लिए गोलोक में जाता है। और गोलोक में जाकर के वो बड़े ही वर्षों से अपने प्रभु से मिलने की चाह कर रहा था और एक अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब मुझे एक अवसर प्राप्त हो और मैं अपने प्रभु का दर्शन करूं। तभी ब्रह्मा जी के आदेश पर उसे एक अवसर मिल जाता है। तब वो नारद जी के साथ में श्री गोलोक के धाम को जाते हैं। तब वो जाते हैं तो विमान पर बैठकर नारद जी के साथ में वो गोलोक पहुंच जाते हैं। तब उनके साथ एक विचित्र घटना घटती है कि नारद जी को तो वो द्वार दिख जाते हैं, लेकिन श्री धमा को वो द्वार नहीं दिख पाते, उनको गोलोक का मार्ग ही नहीं दिखाई देता। तब वो नारद जी से कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ नारद जी, आप तो कहते हो कि गोलोक आ गया, फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। तो तब नारद जी कहते हैं कि तुम प्रभु के लोक में खड़े हो, तब तक जब तक उनका नाम नहीं लोगे तो तुम्हें कैसे दिखाई देगा। तो तब वो कहता है ठीक है, तुम्हें प्रभु का नाम ले लेता हूँ। तब वो कहता है जय श्री कृष्णा। तो फिर भी वो देखता है कि फिर भी द्वार नहीं खुलते। अब वो नारद जी से पूछता है कि अब तो मैंने नाम भी ले लिया, तो फिर भी द्वार क्यों नहीं खुल रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं जब तुम काम अधूरा करोगे, नाम अधूरा लोगे, तो तुम्हारा कैसे कार्य संपन्न हो सकता है। तो वो कहता है कि मैं आपके तात्पर्य को नहीं समझा, कहना क्या चाहते हो मुझसे स्पष्ट करिए। तब वो कहता है कि आप जी यहाँ पे दर्शन करने से पहले, गोलोक में जाने से पहले, कृष्णा जी से पहले हमेशा राधा रानी का नाम लिया जाता है। तब श्री धमा कहता है पर वो तो मेरे प्रभु की प्रेमिका है, तो मैं उसका नाम क्यों लूँ अपने प्रभु से पहले, क्यों लूँ मैं उसका नाम पहले। तब नारद जी कहते हैं तो फिर अब हम ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते। तब वो कहता है कि तो फिर उनके जो ब्रह्मा जी ने तुम्हें संदेश के लिए भेजा है तो उसका क्या होगा। तो वो कहता है मैं ब्रह्मा जी के प्रकोप को सह सकता हूँ, पर ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मैं अपने मेरे प्रभु से पहले उनकी प्रेमिका का नाम लिया जाए। तब नारद जी कहते हैं बड़े ही विचित्र हो तुम तो, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी ओर से मैं ही राधे कृष्ण का नाम ले लेता हूँ। तब वो राधे कृष्ण का नाम लेते हैं और तभी राधे कृष्ण का नाम लेते ही उनके गोलोक के द्वार खुल जाते हैं और वो गोलोक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गोलोक के अंदर प्रवेश करते ही वो देखते हैं कि वहाँ का इतना सुंदर नज़ारा, वो
जाते हैं, तभी उनकी उनकी दृष्टि वो उधर से जा रही एक उधर से जा रही गौ पर पड़ती है। वो नारद जी से कहते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं सभी के सभी। तब नारद जी कहते हैं ये सभी कृष्ण के श्रृंगार के लिए जा रही हैं। कृष्ण के श्रृंगार के लिए, हाँ ये कृष्ण के श्रृंगार के लिए जा रही है जो स्वयं राधा रानी अपने हाथों से करती है पंच तत्वों से। तब वो राधा रानी का नाम से ही चिढ़ जाता है और कहता है कि चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तब वो आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान गोपियों गोपियों के साथ रासलीला कर रहे होते हैं। तो वो वहीं से दूर से उनको देखता है और प्रणाम करता है। भगवान भी उसका प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं और गोपियों के साथ रास करते रहते हैं। राधा रानी के साथ वो इतना सुंदर रास करते हैं और रास देखते देखते ही वो इतना चिढ़ा हुआ महसूस करता है कि वो कितना महत्व प्रेम को दे रहे हैं। तो वो वहाँ से निकल जाता है जहाँ पर रास हो रहा होता है। तब नारद जी से पूछते हैं अरे क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आ गए। तो वो नारद जी से कहता है सब माया है, यहाँ पर सब कुछ छल हो रहा है मेरे प्रभु के साथ। मेरे प्रभु भी इस राधा के माया में फंस चुके हैं, अब मैं क्या करूँ। तब नारद जी कहते हैं जब तुम्हें लग रहा है कि प्रभु भी माया में फंस गए हैं तो तुम इन्हें निकालते क्यों नहीं, अपने प्रभु के भ्रम को दूर करो ना। तो वो कहता है हाँ मैं अवश्य ऐसा करूँगा यदि भगवान मुझे एक अवसर दे। तो तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों को एक अवसर अवश्य ही देते हैं। तो वो कहता है कि कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने आप से मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो श्री रमा खुश हो जाता है। तो तब वो कहता है कि कहाँ पर बुलाया है प्रभु ने मुझे। तो तब नारद जी उसे कहते हैं कि धारा के राधा के पास बुलाया है। तो राधा का नाम लेते ही वो चिढ़ जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे कहने का तात्पर्य है राधा के पास नहीं धारा के पास बुलाया है। तो वो प्रसन्न होकर के अपने प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। तो रास्ते में जाते जाते जब देखते हैं कि हाँ मेरे प्रभु के भक्त जी यहाँ पर हैं, तो वो वहीं उसी माटी पर बैठ जाता है और उस माटी को अपने हाथों में लेकर अपने माथे से लगाता है और कहता है ये तो मेरे प्रभु के भक्त जी की माटी है, मेरे प्रभु के चरणों की धूल है, और वहीं पे बैठा रहता है। तभी श्री कृष्ण की आवाज़ आती है बड़ा ही विचित्र है ना श्री रमा, ईश्वर अपने भक्त अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है और उनके पदचिन्हों में ही खोकर के रह जाता है और अपने प्रभु तक पहुँच ही नहीं पाता। देखो ना तुम कब से वर्षों से मुझसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज मेरे पदचिन्हों में खोकर ही रह गए। तो तब श्री रमा दौड़ा हुआ जाता है और प्रभु के पैरों में गिर जाता है और अपने सर उनके पैरों में झुका देता है। तब श्री रमा को भगवान उठाते हैं और कहते हैं कि श्री रमा कहते हैं कि मुझे प्रभु आपसे मिलने के बाद बहुत प्रसन्नता हुई है। तो श्री रमा तो प्रभु कहते हैं ठीक है तुम्हें मेरे से मिलने के बाद प्रसन्नता हुई है तो आज तुम अपनी सारी चिंताएं सारा भार भी मुझ पर सौंप दो। तो वो कहता है हाँ प्रभु आज मैं आपको एक संदेश देने आया हूँ जो जिसके लिए ब्रह्मा जी ने भेजा है मुझे। तो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संदेश की नहीं मैं तुम्हारे मन के संदेह की बात कर रहा हूँ, तो तुम अपने मन के संदेह के बारे में बोलो तुम क्या कहना चाहते थे मुझसे। तो वो कहते हैं कि प्रभु मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कोई भी भक्त हो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि मेरे प्रभु से पहले उनकी प्रेमिका का नाम लिया जाए। प्रभु ये भक्ति का अपमान है, मैं कभी ऐसे सहन नहीं कर सकता कि मेरे से पहले आपसे पहले आपकी प्रेमिका का नाम लिया जाए। तो प्रभु से समझाने का प्रयास करते हैं तो वह नहीं समझता। तब उधर एक झरना होता है तो प्रभु से कहते हैं कि तो देखो श्री रमा तुम इस झरने की ओर देखो। तो वो देखता है और बड़ा ही हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक विचित्र घटना घटी हुई होती है क्योंकि हर नॉर्मल जितने भी धार वो झरना होता है उनकी धारा नीचे की ओर बहती है जबकि उसकी धारा उल्टी वापस ऊपर की ओर बह रही थी। तब श्री रमा कहता है हाँ प्रभु आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अवश्य ही निकालूंगा। तो तभी इतने में आरती का समय हो जाता है और प्रभु कहते हैं कि मेरी आरती मेरे गो का समय हो गया है कदाचित तुम्हें एक अवसर वहीं पर मिल जाए। तो फिर वहाँ पे प्रभु आरती में चले जाते हैं और वो भी प्रभु की आरती में शामिल होने के लिए चला जाता है। वहाँ पे देखता है कि सभी गोपियाँ उनकी पूजा कर रही होती हैं उनकी सेवा कर रही होती है और कृष्ण को भोग लगाया जाता है। तो वो भी अपने प्रभु के लिए माखन का भोग लेकर के जाता है। तो वो वहीं से पहले सबको देखता है कि सब क्या कर रहे हैं। वो देखता है कि जितनी भी गोपियाँ हैं सब पहले जो भी भोग है उसको राधा रानी स्पर्श करती है तत्पश्चात श्री कृष्ण स्पर्श करते हैं और फिर वो भी अपना माखन लेके जाता है। तो जैसे ही राधा रानी अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसको स्पर्श करने के लिए तो वो राधा रानी की ओर से माखन का मटका हटा करके कृष्णा जी को दे देता है और कृष्णा जी राधा रानी को हालांकि बहुत दुख होता है लेकिन वे फिर भी मुस्कुराती है और कुछ नहीं कहती। तो श्री कृष्ण फिर वो मटका राधा रानी के ही हाथों में दे देते हैं
फिर राधा रानी उसमें से माखन निकालती है और थोड़ा सा माखन खुद चखती है और फिर वो चखा हुआ माखन श्री कृष्ण को खिलाती है। बस इतना ही देखकर कि वो क्रोधित हो जाता है, बस राधा बहुत हो गया तुम मेरे प्रभु को अपने झूठे खिला रहे हो। तो तब राधा रानी कहती है कि नहीं मैं प्रभु को झूठा नहीं खिला रही हूँ, मैं तो सिर्फ माखन चख रही हूँ ताकि यह माखन खट्टा ना हो, मेरे प्रभु को यह माखन खट्टा ना लगे इसीलिए मैंने माखन चखा। तो कहते हैं बस भक्त के लिए तो जब भगवान भोग लगाते हैं वो भक्त अपने भगवान के झूठे खाते हैं प्रसाद समझकर, और तुम मेरे ही प्रभु को अपने झूठे खिला रही हो, क्या है ये। तो वो कहती है, राधा रानी कहती है नहीं अपने प्रिय को भोग खिलाना, शुद्ध भोजन खिलाना ही मेरा कर्तव्य है, मैं अपने प्रभु को केवल शुद्ध भोजन ही करा रही हूँ, कुछ अनुचित नहीं कर रही हूँ। तो वो राधा रानी से कहता है नहीं तुम्हें बहुत, तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रही हो। वो कहता है कि भक्ति ही श्रेष्ठ होती है प्रेम से। तो राधा रानी कहती है नहीं तुम्हें क्या अतराज है मेरे प्रेम से, तुम क्यों मेरे प्रेम को बार बार निकृष्ट साबित करना चाहते हो। तो वो कहता है आज मैं सिद्ध करके रहूँगा कि भक्ति ही प्रेम से श्रेष्ठ है। और तब वो सभी गोपियों वहाँ पर उपस्थित सभी गोपियों से कहता है कि मेरी आप सबसे विनती है कि आप सभी को मैं आज दिखाऊंगा कि भक्ति ही श्रेष्ठ है प्रेम से, और आप सभी आज मेरे साथ राधे कृष्ण की जगह सिर्फ कृष्ण का नाम लेना और तब देखना मेरे प्रभु की कितनी महिमा है। तो वहाँ पर उपस्थित सभी गोपियाँ फिर पहले तो कृष्ण की ओर देखती है, कृष्ण उन्हें उसकी इशारा कर देते हैं और तब देखते हैं, तब वो बोलते हैं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बोलते ही प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है कि सब देखते ही रह जाते हैं। फिर वो श्री रमा बोलता है कि देखा तुमने मेरे प्रभु के नाम की महिमा, सब कुछ कितना जगमगा उठा है। फिर श्री रमा कहता है कि अब चलो अब राधा का नाम लेकर के देखते हैं। तभी उधर से एक कीट जा रहा होता है जो कि एक दिए के पास बहुत धीरे चाल से जा रहा होता है। तो वो उसकी तो वो बोलता है चलो हम इसी कीट को निशाना बनाते हैं, और राधे राधे बोलते हैं चलो इस कीट को निशाना बनाओ और राधे राधे बोलो। तो वो उस कीट को निशाना बना करके राधे राधे बोलते हैं। तो तभी देखते हैं वो कीट अदृश्य हो जाता है। उसके पश्चात में वहाँ से एक तितली जाती हुई दिखती है। तो फिर वो बोलते हैं चलो अब तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा, तो फिर दोबारा से राधे राधे बोलो। फिर वो राधे राधे बोलते हैं तो वो तितली भी अदृश्य हो जाती है। तो वो कहता है देखा तुमने राधा के नाम की महिमा, राधा के नाम से तो सबको मृत्यु ही प्राप्त हो रही है। तब उसने में उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। तो वो बोलते हैं अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं होता, चलो फिर से राधे राधे बोलो। तो वो भी अभी डर जाती है, नहीं हम राधे राधे नहीं बोल सकते, हम इस बच्ची को मृत्यु नहीं दे सकते। तो तब वहाँ से तब वो कहता है देखो मैंने आज सिद्ध कर दिया कि भक्ति श्रेष्ठ है, और राधा का नाम अभी यदि सबको सिद्ध हो गया हो तो कोई भी आज के बाद राधा का नाम नहीं लेगा कृष्ण से पहले। तो वहाँ पे फिर वो श्री कृष्ण को भी कहता है कि राधे राधे बोलो ना, राधे राधे बोलो ना। तो वो कहते हैं अरे देखो सबने सब पे राधा ने अपने माया का ऐसा जाल फैला रखा है कि कोई भी समझने को ही तैयार नहीं। तो फिर वो ऐसे कह कर के प्रभु के पीछे पीछे जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रीदमा तुमने मेरी सारी समस्या का समाधान किया है, और आज मैं तुमसे चाहता हूँ तुम कृपा कर मेरे द्वारपाल बन जाओ। तो प्रभु कहता है प्रभु मैं आपका द्वारपाल बन करके बहुत खुश हो जाऊंगा। तो वो उनका द्वारपाल बनने के लिए तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पर तुम एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं ना कहूँ मैं द्वार ना खोलूँ तब तक कोई अंदर ना आए। तो वो कहता है ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो राधा रानी तो क्योंकि वहीं पर बैठी रहती है, तो कृष्ण अंदर के दरवाजे बंद करते हैं और मन ही मन बोलते हैं राधे राधे। तो राधे राधे बोलते ही होता है ऐसा कहकर राधा रानी फिर आगे की ओर बढ़ती हैं। तो फिर श्री रमा कहता है बस बहुत हो गया तुमने तो अब हद ही पार कर दी राधे। तो तभी श्री कृष्ण फिर से आवाज उन्हें लगाते हैं और राधा रानी आगे की ओर बढ़ती हैं। तो वो कहता है कि बस राधा अब यदि तुमने एक भी कदम और उठाया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी स्मृतियों पर। तो वो राधा रानी कहती है कि जो स्मृतियों को भूलने के भय से ही अपने कृष्ण की वो भी मैं ही थी, तब मैंने एक मनुष्य रूप धारण कर लिया जो 84 लाख योनियों के प्राप्त जो 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है वो मुझे केवल 2 बार राधे नाम लेने से ही प्राप्त हो गया। तो अब प्लीज आप राधे राधे बोलो ना, राधे मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे परमात्मा में विलीन होना है, मुझे मुक्ति चाहिए। तो तभी वो श्री दमा को बहुत दुख होता है कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो समझ जाता है कि राधा रानी के नाम
जिनके चरण की एक धूल को वंदना करते हैं, कभी इनकी बात छोड़ दो, राधा रानी जब कभी मान कर लेती हैं, ये कृष्ण के लिए भी राधा जी की चरण दुर्लभ हो जाता है। इसलिए वृंदावन में आप गए होंगे, वहाँ पर सेवा कुंज है जहाँ पर कृष्ण स्वयं राधा रानी की चरण की पूजा, चरण की जहाँ पर सेवा की थी। इसलिए राधा रानी की कृपा से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए कृष्ण राधा रानी नाम से इतने खुश क्यों होते हैं, राधा जी का नाम से इतने प्रसन्न कृष्ण क्यों होते हैं? कारण है, जैसे देखो, जैसे तुम्हारे घर में जैसे कोई पति पत्नी है, हैं, जैसे पति पत्नी हैं, अभी पत्नी जैसे पति की सेवा करती है, इसलिए पत्नी को अच्छे तरह से पता है ये पति को क्या प्यारा है। पति को नमकीन अच्छा लगता ना, मिठाई अच्छी लगती, ये पत्नी जैसे जानकी को पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी ही जानती हैं कृष्ण कैसे खुश होते हैं, उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए इसका मतलब कृष्ण कब खुश होते ज़्यादा, कृष्ण को पास में जाने से कृष्ण इतना खुश नहीं होते। क्यों? कल तुम आओगे, तुम मनमर्जी सेवा करोगे, लेकिन मुझे क्या प्यारा इतना राधा रानी जानती है। इसलिए जब राधा रानी को पास में जाएंगे तब कृष्ण खुश होते। क्यों? ये अभी राधा रानी बताएगी जब मेरे को किस चीज प्यारा है, ये राधा रानी बताएगी। नाम को सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं, इसलिए ये लोकल तुम लोग बोलना ठीक है।